हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हो रहा है शाम के 4 बजे का टाइम, 4:15 का टाइम हो गया है। और आज जो है तो बहुत लेट हो गया था, तो नहा धो के हम लोग अभी आराम ही कर रहे थे, तो अभी 4 बज रहा है, तो मैंने सोचा चलो उठते हैं और शाम की चाय वगैरह पी लेते हैं। तो पीने जा रहे थे बट अभी नहीं पियेंगे, क्योंकि मेरी छोटी वाली बहन आ रही है और उसको बुलाया है मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे ना मेहंदी लगाने वाला कोई मिलता नहीं है अच्छी मेहंदी। तो एक हाथ में हम अपने हाथ से लगा लेते हैं और एक हाथ में ना अपने हाथ से तो बनेगा नहीं, तो इसलिए उसको बुलाया है। वो आ जाएगी तब बनाएंगे चाय हम लोग और तब पियेंगे चाय सब लोग साथ में बैठ के। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो गया है शाम का 5:30 का टाइम और अभी देखिए मुझे मेहंदी लगवानी है ना, और यहाँ पे पड़े हैं थोड़े से बर्तन, तो मैंने सोचा कि पहले बर्तन धो लें, क्योंकि फिर अब मेहंदी लगने के बाद फिर बर्तन धोने में हो जाएगी प्रॉब्लम। और पति तो मेरी न धोती है ना मैं उसे धुलवाती हूँ, तो फिर इनको ही धोना पड़ेगा। तो मैंने कहा पहले बर्तन धो लेते हैं। और यहाँ पे देखो चाय भी चढ़ा दी है क्योंकि वो आ गई है, और अभी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे बर्तन भी मैंने धो लिए हैं, 4 बर्तन थे, और यहाँ पे मेरी चाय भी काफ़ी अच्छे से खोल गई है। तो अब जा रहे थे पीने चाय हम लोग, उससे पहले दिखाएं कि आज आपको विराट भी आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स विराट भी आ चुका है, कहाँ भाग गया ये तो बदमाशी करने जा रहा नीचे कहाँ क्यों भाग गए थे? स्विच ऑन हो गया। चलो अंदर चलो चलो। अरे और देखिए फिर से आ गए, और देखिए मेरी बहन भी आ गई है। गंदी बात देखिए, ऐसे इन लोग की लड़ाई ऐसे होती है, ये माँ बेटे का रिश्ता लगता नहीं कि माँ। ये देखो ये छोटा सा है मगर इतनी बदमाशी करता है। अभी दीदी आ रही होगी बताने तुमको। हो गई लड़ाई, हो गई लड़ाई। विराटू गंदी बात, गंदी बात लग जाएगा। के चाय बना के लिया, ये तो मेरा कप है क्योंकि मेथी में पीते हैं चाय हम, और ये इसके लिए। और देखिए अब लगने जा रही है मेहंदी, तो ये दो कोन लाई है और ये वाला बता रहे थे कि बहुत अच्छा है, तो हमने कहा चलो ठीक है अब कि यही लगा के देखते हैं। मेहंदी चाय जैसी भी हो बस रचनी चाहिए। आओ लगाओ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी मेहंदी ना लग चुकी है और परी भी आ गई है, और मेरी बहन जो थी ना वो मेहंदी लगा के चली गई। चलिए आपको दिखा देखिए अपनी मेहंदी हम। उसको लगानी आती नहीं है लेकिन फिर भी ना उसने बहुत अच्छी लगाई है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी मेहंदी लग चुकी है और यहाँ पे टाइम हो गया है 9 बजे का, रात के मतलब 9 बज रहे हैं। और आज जो है ना तो परी को आने में बहुत लेट हो गया, बिट्टू अभी अभी आई है, 9 बज गया है। लेकिन फिर इन्होंने फोन किया तो फिर दोनों बाप बेटी साथ में आए। देखिए ये भी आ गए हैं और ये लगे हैं काम में। देखिए यहाँ पे बिट्टू के लिए ना ये कुछ करने जा रहे हैं परी को लेकर के, और देखिए पूरे घर की दशा बिगाड़ दी ने रात के। देखिए 9 बजे का टाइम हो रहा है, ये देखिए ये देखिए, और 9 बजे ये घर की पूरी दशा बिगाड़ रहे हैं। और इसके बाद अभी हमको सब करना पड़ रहा है। देखिए कितने खुश भी हो रहे हैं, पूरा मेरा घर खराब करके रख रहे हो। फिर देखिए पूरा टेबल किनारे सेठी बाहर। अभी सब सही हो जाएगा। डांस करने जा रहे हो क्या? नहीं, हमें तो लग रहा है डांस करने जा रहे हो, तभी पूरा वो तैयार कर लिया आपने अपने हिसाब की जगह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना सेटअप तैयार कर दिया है इन्होंने परी के लिए। अब मुझे समझ में आया कि परी का डांस करने का मन हो रहा था, तो चलिए दिखाते हैं आपको आज अपनी परी का डांस। और परी के डांस के लिए एक लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तो देखा फ्रेंड्स आपने, मेरी मुनिया का डांस कितना अच्छा करती ना, और ये शर्माती है, करती नहीं, जब करने को बोलो ना तो करेगी नहीं। और देखिए मेरी मुनिया कितनी अच्छी लग रही है आज, सुंदर सुंदर, और हम उतने बुरे लग रहे हैं क्योंकि हमने ना नहाने के बाद कंघी भी नहीं करी अभी तक। और तो यहाँ पे देखिए हो गया है 10 बजे का टाइम, 10 बजा नहीं ना, 10 बजने वाला है। और ये देखिए, अरे फ्रेंड मोबाइल चला रहे हो, अच्छा देख लिया, हाँ अच्छा मोबाइल इसमें देख लिया हमने, जल्दी रखो भाई, थोड़ी देर नहीं रखो, देखिए अच्छा हो, ब्लॉग पुराने चक्कर में हमने देख लिया कि ये लड़का पीछे मोबाइल चला रहा है। तो फ्रेंड्स अब ये खाना खा चुका है ना, इसलिए मोबाइल चला रहा है, और हम भी आज खाना तो बना नहीं है क्योंकि मेरे हाथ में देखो मेहंदी लगी है, इसलिए हम बना सकते नहीं है। तो देखो यहाँ पे आज आया है सबके लिए बर्गर, तो वैसे हमने मंगाई थी चाउमीन, लेकिन आया है बर्गर, और ये खा चुका है, और अभी परी को दिखाया आप। ये देखिए भोला बच्चा बन के बैठा हुआ है, लेकिन ये इतना भोला है नहीं ये नहीं खा रही है क्योंकि आज ये गई थी पार्टी में, तो ये वहां से खा पी के आई है, इसलिए इसका मन नहीं है। और कोल्ड ड्रिंक आ गई आपकी, ये देखिए कोल्ड ड्रिंक का गिलास हमेशा रहता है, हम पी रहे थे तो इनको भी पीनी थी कोल्ड ड्रिंक, जो कि कोल्ड ड्रिंक सब पी के आएंगे, लेकिन ठंडी भी नहीं है, लो अच्छी भी नहीं लगी, पी भी ली अच्छी भी नहीं लगी, परी का नाटक तो अलग ही रहता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम खाने जा रहे थे बर्गर, तो निकाल ले, ये देखिए इस तरह की पैकिंग में है। तो अब हम खाने जा रहे थे खाना, खाने में है बर्गर, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा व्लॉग भी कंटिन्यू कर लेते हैं, तो बस खा ले उसके बाद मिलते हैं। देखिए यहाँ पे खाना पीना हो चुका है, और परी नहीं खा रही है अपना बर्गर, ये देखो उसका रखने जा रहे हैं, और बाकी ये बर्तन ले ले, हम नहीं ले रहे, हम नहीं ले रहे, परी अपने आप आएगी लेके अपना ग्लास। चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी से किचन में, और भाई आज तो बर्तन धोने से रहे, तो रोज की तरह आज बर्तन नहीं धुल पाएंगे, क्योंकि आज जो है तो हर चीज के पीछे एक चीज है ना, कि मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, तो इसलिए नहीं होगा। लेकिन हाँ बाकी ये विंडो वगैरह बंद कर, क्योंकि रात हो गई है काफी, 10 बजने वाला है या बज चुका है, मैंने देखा नहीं। और ये बर्गर जो है तो उसको रख दूं मैं फ्रिज में, आ गए, काम चोरी कर रही थी लेकिन आ गई, भागी जल्दी से ना, कि और कुछ ना करना पड़ जाए।